Morning student, 12th class physics lesson 3. Yesterday we discussed about Ohm's law and limitation of Ohm's law in vector form. Today we are going to discuss about temperature dependence of resistivity. Next topic kya hai? Temperature dependence of resistivity. First of all we have to discuss resistivity. तो resistivity क्या है देखो. रेजिस्टिविटी हमने क्या देखो रेजिस्टेंस निकाला था हमने एक डेरिवेशन रेजिस्टेंस किसके इक्वल था रो एल डिवाइडेड बाय ई तो रो क्या था यहाँ पे रेजिस्टिविटी ठीक है तो हर एक मेटल की अपने अपनी क्वालिटी होती है अपने अपने गुण होते हैं तो रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है अब देखो किसी हम मेटल लेते हैं कॉपर एल्यूमिनियम जो ये मेटल होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है क्या होती है पहले कम होती है ठीक है पहले इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है फिर जैसे जैसे ये नॉन कंडक्शन की तरफ जाते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो पहले हम अब डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी से पहले कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे इफेक्ट आता है तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के ऊपर निकालेंगे तो देखो हमने एक्सपेरिमेंट किया था जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमने देखा कि जो टेम्परेचर टी है टी टेम्परेचर पे क्या टेम्परेचर था टी प्लस डी ठीक है टेम्परेचर टी पे उसकी वैल्यू थी टी प्लस डी टी और इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस था आर नोट और रेजिस्टेंस पे क्या था आर प्लस डी आर ठीक है जब हम एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा हमने क्या कि टेम्परेचर टी पे टेम्परेचर की वैल्यू थी टी प्लस डी टी और रेजिस्टेंस आर नोट पे उसकी वैल्यू थी आर प्लस डी आर फिर ये एक्सपेरिमेंट करते करते हमने ऑब्जर्व किया हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है चेंज इन रेजिस्टेंस हमने ऑब्जर्व किया कि जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ठीक है चेंज इन रेजिस्टेंस डी आर चेंज इन रेजिस्टेंस डी आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर डी हमने ये एक्सपेरिमेंट करते करते ऑब्जर्व किया कि डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी टी के और एक डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नोट क्या है जो इसका स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस क्या था आर नोट यह इनिशियल रेजिस्टेंस ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन ये मान ली सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को कर दो कंबाइन तो डी आर किसके इक्वल डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नोट और डी टी ठीक है अब डायरेक्टली के निशान को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया डी आर इज इक्वल टू अल्फा आर नोट इंटू डी टी अल्फा क्या है यहाँ पे थर्मल कोफिशेंट अल्फा क्या है यहाँ पे थर्मल कोफिशेंट अल्फा क्या है थर्मल कोफिशेंट देखो दोबारा से हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टेम्परेचर टी पे तो वैल्यू थी टी प्लस डी टी और इसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस था जो इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोट वो तो आर प्लस डी आर फिर हमने एक्सपेरिमेंट करते करते ऑब्जर्व किया कि जो रेजिस्टेंस इसका चेंज हो रहा है डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी टी के और डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस यानी जो स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस था ओरिजिनल रेजिस्टेंस वो और डायरेक्ट दोनों को कंबाइन किया आर नो डी टी डायरेक्टली जो निशान को हटाएंगे तो कोई कॉन्स्टेंट आएगा अल्फा अल्फा क्या है यहाँ पे थर्मल कोफिशेंट ठीक है थर्मल कोफिशेंट क्या होता है ये हम रेजिस्टिविटी वाले में देखेंगे तो फिर हमें क्या करना है डी आर किसके इक्वल आएगा अल्फा आर नोट डी टी अब हमें तो क्या चाहिए रेजिस्टेंस आर हम रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन जो प्लस वन में क्या था अब बोथ साइड इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर नोट एल्फा आर नोट डी टी अब देखो निकालो रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस था आर नोट और बाद वाला फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ ऐसे स्टार्टिंग का टेम्परेचर टी नोट फाइनल रेजिस्टेंस टी एफ तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आर और लिमिट एज इट इज आर नोट आर एफ फिर इस अल्फा आर नोट कॉन्स्टेंट है डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी और लिमिट टी नोट से टी एफ अब यहाँ पे लिमिट पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अल्फा आर नोट एज इट इज टी पे भी लिमिट पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है आर नोट माइनस का उसको साइड लेके जाओ तो प्लस आ जाएगा आर एफ किसके को लाया जाएगा आर नोट प्लस अल्फा आर नोट और टी एफ माइनस टी नोट ये क्या है टी एफ माइनस टी नोट फाइनल माइनस इनिशियल इस
टी जो कि क्या है चेंज इन टेम्परेचर, कि फाइनल टू इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये क्या है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। पुट करो आर एफ किसके इक्वल आएगा, आर नोट प्लस अल्फा आर नोट डेल्टा टी। ठीक है, अब आर नोट इसमें से कॉमन ले लो, आर नोट मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये क्या है आर एफ। ये तो हमने निकाला है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। आर एफ फाइनल रेजिस्टेंस, आर नोट इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा थर्मल कोफिशिएंट, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब हमें पता है रेजिस्टेंस किसके इक्वल था, रो डिव रो एल डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ पे पुट करो फाइनल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी क्या आएगी, तो देखो रेजिस्टेंस आर हमने क्या निकाला है रो एल डिवाइडेड बाय ए, कौन सा रेजिस्टेंस है फाइनल, तो यहाँ पे भी क्या आएगा फाइनल आर नोट इनिशियल वाला, तो रेजिस्टिविटी इनिशियल एल डिवाइडेड बाय ए वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल से एल कैंसिल ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा रो एफ किसके इक्वल आ जाएगा रो नोट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है हमारी रेजिस्टिविटी, क्या है रेजिस्टिविटी। अब रो एफ क्या है स्टार्ट इन फाइनल रेजिस्टिविटी, रो नोट इनिशियल, रो नोट क्या है अपनी इनिशियल रेजिस्टिविटी जब टेम्परेचर टी था, कौन सा टेम्परेचर था टी टेम्परेचर पे, ओरिजिनल टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो नोट, और जब हमने टेम्परेचर को डेल्टा टी पे, डेल्टा टी पे इसकी रेजिस्टिविटी क्या आएगी रो एफ, रो एफ इज द फाइनल रेजिस्टिविटी। ठीक है, और अल्फा क्या है थर्मल कोफिशिएंट, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा रो एफ माइनस रो नोट डिवाइडेड बाय रो नोट डेल्टा टी, ये किसकी वैल्यू आई है अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है थर्मल कोफिशिएंट। देखो रो नोट इस साइड प्लस का, इस साइड लेंगे माइनस का, और इसके साथ क्या देगा डिवाइड में, ये किसकी वैल्यू आई है अल्फा की। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या आई है रो एफ माइनस रो नोट डिवाइडेड बाय रो नोट डेल्टा टी, अल्फा क्या था थर्मल कोफिशिएंट। तो देखो थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट होता है हम मेटल लेंगे, हमने लिया कोई भी मेटल और उस मेटल की जो रेजिस्टिविटी रो वो कितनी है वन, मान लो ये हमने एक मेटल ले ली, मेटल के वायर ले ली और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है वन। ठीक है, कितनी रेजिस्टिविटी ली है मेटल की वन, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी या तो कितना होना चाहिए वन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर वन केल्विन। ठीक है, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी लेंगे जो वन और टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस या फिर वन केल्विन का डिफरेंस क्रिएट करें। अगर ये यहाँ पे हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस क्रिएट होता है, जितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट यहाँ पे होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो वो चीज़ क्या आएगी थर्मल कोफिशिएंट। थर्मल कोफिशिएंट क्या हुआ, देखो हमें कोई भी मेटल लिया, उस मेटल जो मेटल लेंगे उस मेटल की रेजिस्टिविटी वन ओम मीटर, वन ओम मीटर, और उसका टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस क्रिएट करेगा, वन डिग्री सेल्सियस जब इतना डिफरेंस क्रिएट करेगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो क्या होगा अपना थर्मल कोफिशिएंट अल्फा। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो नॉर्मली मेटल की बात करते हैं वहाँ पे हमारा अल्फा थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है पॉजिटिव। अब हम मेटल की बात करते हैं, मेटल की फर्स्ट इसकी देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या, हमने मेटल की बात की, मेटल में अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो देखो क्या हुआ था रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, रेजिस्टेंस ये था आर किसके इक्वल था रो एल डिवाइडेड बाय ए, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है बढ़ जाती है, यानी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों क्या जाएगी इसकी इंक्रीज। ठीक है, कंसेप्चुअल बात है, देखो हमने कंडक्टर लिया था, कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अंदर हम क्या कर रहे थे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने से ठीक है वहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम थर्मल भी बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा तो वहाँ पे कोलिजन भी क्या होगा ज़्यादा। अब कोलिजन ज़्यादा आएगा वो जब आपस में टकराएंगे तो जो टाउ, टाउ क्या था रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होएगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या
क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज और रेजिस्टेंस इंक्रीज। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज तो यानी उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। सेकेंड हम लेते हैं एलोए। हम एलोए की बात करेंगे, एलोए में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लैब में क्या करते हैं, एलोए का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कई बार हमें रेजिस्टेंस को चेंज करना होता है तो हम टेम्परेचर तो वहाँ बढ़ा देते हैं लेकिन रेजिस्टेंस पे या फिर रेजिस्टिविटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इसकी जो डेंसिटी, इलेक्ट्रोलाइट की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी डिक्रीज होएगी तो इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या आता है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर पर रेजिस्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, सेमीकंडक्टर, अगर हम सेमीकंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, अगर हम इसमें टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि सनलाइट, सनलाइट से हम यूज़ करते हैं सोलर पैनल, सोलर पैनल में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, उसके अंदर सेमीकंडक्टर होते हैं, वहाँ पर जब धूप पड़ती है, धूप आती है वहाँ पे से उन पे सोलर पैनल पे, तो क्या आता है, इलेक्ट्रॉन एकदम से नहीं निकलते, कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन फास्टली निकलना वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। जब वहाँ से फास्टली इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देते हैं तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। अब इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं हम इंसुलेटर की। इंसुलेटर में भी क्या होता है, नॉर्मली टेम्परेचर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट आता है सुपर कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस ये क्या होता है, जीरो। ठीक है, सुपर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी भी दोनों जीरो होते हैं। जैसे कि मरकरी है, मरकरी Hg 4.2 केल्विन, मरकरी का एग्जांपल लेते हैं हम, मरकरी यानी Hg, हम क्या करते हैं 4.2 केल्विन के नीचे इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी, की रेजिस्टिविटी पे किस तरह से डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी निकालने से हम क्या निकालेंगे, पहले रेजिस्टेंस का निकालेंगे, उसके बाद हम किसका निकालेंगे, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, फिर रेजिस्टिविटी जब देखो, यहाँ पे पॉइंट देख लो एक बार, मेटल के केस की बात करें तो मेटल में जो हमारा थर्मल कोफिशिएंट है वो क्या रहता है, पॉजिटिव, नॉर्मली पॉजिटिव ही रहता है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है और रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। हम एलोए की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। एंड द फिफ्थ पॉइंट सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट जाती है, इंसुलेटर में भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट जाती है, एज सुपर कंडक्टर में मरकरी Hg का एग्जांपल लिया था, 4.2 केल्विन के नीचे की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, ये था हमारा कि टेम्परेचर रेजिस्टिविटी पे किस टाइप से डिपेंड करता है, इसका डेरिवेशन भी करना है और इसके पॉइंट भी करना है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एनर्जी, सेल और पावर। ओके।